सिंस द फूड एंड वेट इज रीड करो। नहीं मैं एक बार बता देती हूँ, सिंस द फूड एंड क्योंकि जो फूड हमको मिलता है ना, और जो फूड हमको मिल रहा है और वो किस तरीके से मिलता है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका होता है ना। ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फूड अपना खुद बना सकते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स को इधर उधर लेके आना पड़ता है अपना फूड, प्लांट्स को इधर उधर घूमना नहीं पड़ता अपना फूड लाने के लिए। तो इस वजह से ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, वो अलग तरीके से होता है। अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो जो फूड होता है मे बी टेकन इन द बाय द एंटायर सरफेस, मतलब उनका जो बॉडी का सरफेस है वो अपनी बॉडी के सरफेस से कहीं से भी फूड ले सकते हैं अंदर। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है तो अलग अलग पार्ट्स स्पेशलाइज होते जाते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। जैसे कि जो अमीबा होता है वो अपने फूड को अंदर लेता है बाय टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। जैसे जो ये अमीबा है, ये अमीबा क्या करता है, अपना जो सरफेस है वहां से वो दो प्रोजेक्शन निकालता है। ये जो दो प्रोजेक्शन होते हैं इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब जैसे ये फूड पार्टिकल है तो उस फूड पार्टिकल को वो ऐसे हाथ, अपना जो सरफेस है उसको बढ़ाता है हाथों के जैसे, फिर उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, फिर उसको खा जाता है। ठीक है, इनसाइड द फूड वैक्यूल द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो ये जब इसको ऐसे करके हाथ से पूरा इसको अपने अंदर ले लिया तो अब यहाँ पर एक खाली स्पेस बन गया, वो बन गया फूड वैक्यूल। तो इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इस फूड पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और फिर ये फूड पार्टिकल साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज अ डेफिनाइट शेप एंड फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट। फिर एक पैरामीशियम एक और ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से फूड बॉडी के अंदर जाता है। तो फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो पैरामीशियम में एक सीलिया होता है, जैसे ये पैरामीशियम है मान लो, और इस पैरामीशियम में इसकी बॉडी के ऊपर में सीलिया, मतलब थोड़े थोड़े हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो हेयर जैसे स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फूड को पास करते हैं उस बॉडी के अंदर, हेल्प करते हैं वो हेयर लाइफ के उसके अंदर जाए, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पर रीड करना स्टार्ट कर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। इन फिगर नंबर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। तो ये बोल रहा है कि एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से माउथ से एक्सटेंड होता है कहाँ तक, हमारे एनस तक। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब फूड एंटर होता है हमारी बॉडी में तो फिर वो कैसे कैसे प्रोसीजर होते हैं। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ये इधर डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि कैसे हमारा फूड अंदर आता है, फिर कैसे वो स्टमक तक जाता है, फिर कैसे डाइजेशन होता है और कैसे वो बाहर आता है। अभी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। तो हम लोग अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं जिसको सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से पास होना पड़ता है। डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब एक ये जो ट्रैक है डाइजेशन का, सेम ट्रैक से चाहे कोई भी फूड खाए सेम ट्रैक से पास होना पड़ता है। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of same texture. तो उस फूड को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस फूड को सबसे पहले हमको प्रोसेस करना पड़ता है ताकि उसमें वो
बड़े बड़े पार्टिकल्स है जो फूड के, उसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सके और उन सबका टेक्सचर सेम हो। ये कैसे अचीव होता है? बाय क्रशिंग द फूड विथ अवर टीथ। तो हम लोग टीथ को सॉरी फूड को हमारे टीथ से क्रश करते हैं। फिर क्या होता है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसका कैनाल की जो लाइनिंग होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। उसके बाद क्या किया जाता है, फूड को वेट किया जाता है ताकि उसका पैसेज को स्मूथ कर सके। सबसे पहले फूड को क्रश करते हैं, उसके बाद फूड को वेट करते हैं। और ये क्रश किससे करते हैं, टीथ से, ताकि वो सेम टेक्सचर का हो जाए। फिर फूड को वेट करते हैं, वेट इसलिए करते हैं ताकि वो सॉफ्टली पास हो जाए हमारे पैसेज में। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्स, जब भी हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं, खाने वाली चीज को जो हमको पसंद है, तो हमारा माउथ ऑटोमेटिकली वाटर करना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। तो ये सिर्फ वाटर नहीं होता पर एक फ्लूइड होता है जो होता है सलाइवा। और ये जो सलाइवा होता है वो कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो एक और चीज हमको पता चली कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा। सलाइवा, और ये सलाइवा वही थूक जो हमारे मुंह में होता है उसको बोलते हैं सलाइवा। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। फिर एक दूसरा एस्पेक्ट है फूड का कि फूड जो हम लोग ने इंजेस्ट किया है, इंजेस्ट मतलब अपने अंदर लिया है, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है। तो उसको अब हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगा, इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज टू बी ब्रोकन इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मतलब अब हमको उसको, उस फूड को और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। अब ये सब किससे होता है, ये सब हेल्प इस, इन सब चीज के लिए हम लोग को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जो फूड हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, उस वजह से उसके लिए एंजाइम्स क्या करते हैं, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। जो सलाइवा होता है उसमें एक स्पेशल तरीके का एंजाइम होता है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो ये सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो ये सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है कि ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। हमारी बॉडी स्टार्च को नहीं एब्जॉर्ब कर सकती पर ये स्टार्च को तोड़ देता है सिंपल शुगर में जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर जो हम लोग फूड जो है, जो हम लोग ने अंदर लिया है फूड अपने माउथ में, वो बहुत अच्छी तरीके से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और फिर वो हमारे माउथ में मूव करता है जब तक से हम लोग उसको च्यू करते रहते हैं अपनी टंग की हेल्प से। फिर इसके बाद क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हम फूड अंदर ले रहे हैं वो बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब से पास हो ताकि वो फूड का प्रोसेसिंग बहुत अच्छी तरीके से हो। द लाइनिंग ऑफ कैनाल, जो हमारी जो कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल, उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें मसल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहती है ताकि फूड जो है वो आगे पुश हो। जब अपन कुछ भी चीज गटकते हैं, याद करना, स्वेलो करते हैं तो गले में छूना, कुछ भी चीज गटकेगी तो ऐसे लग रहा है कि हमारा गला थोड़ा सा ऊपर आता है फिर नीचे आता है ना, मूवमेंट हो रही है गले में। तो वो जो मूवमेंट होती है वो मसल की होती है। वो मसल की मूवमेंट इसलिए होती है ताकि कोई भी फूड जो हम लोग अंदर ले रहे हैं वो फूड आगे मूव कर सके।
तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ये हर जगह होती है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये चलती रहती है, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ताकि फूड कंटिन्यूअसली नीचे पुश होता रहे। अब फूड के बाद जब हम लोग ने माउथ में अपना पूरा काम कर लिया, तो फिर वो फूड फूड जो है फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है। ठीक है, जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट। तो जो ये स्टमक है ये बहुत ही एक बड़ा ऑर्गन है, तो जब भी फूड आता है उसपे तो वो एक्सपैंड होता है, बढ़ जाता है। द मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। जो ये स्टमक की वॉल्स हैं उनका काम क्या है कि फूड को और अच्छे से मिक्स करना अपने डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। उसके अंदर जो स्टमक है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा खाना और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो स्टमक का काम क्या है, सारे फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने का काम होता है स्टमक का। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। तो स्टमक की वॉल में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जो कि अ प्रोटीन डाइजेस्टिव डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रिलीज करते हैं जो होता है पेप्सिन, और रिलीज करते हैं म्यूकस। ठीक है, ऊपर में मैंने बताया था सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवरी अमाइलेज उनका एंजाइम होता है, सलाइवा का। सलाइवरी ग्लैंड का क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, अब अपन स्टमक में आए। तो स्टमक क्या क्या चीजें सिक्रीट करता है, स्टमक सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम जो कि है पेप्सिन। तो पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है, टू डाइजेस्ट प्रोटीन, टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम है पेप्सिन का। और उसके बाद है एक और सिक्रीशन होती है स्टमक की, वो होती है म्यूकस। तो स्टमक ये तीन चीजें सिक्रीट करता है। अब अपन पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है एक एसिडिक मीडियम बनाना, जिस वजह से वो एसिडिक मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाने की वजह से तो एंजाइम है पेप्सिन वो अपना काम कर पाता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम नहीं बनाएगा तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम यह है कि वो एक एसिडिक मीडियम बना देता है, हर चीज को एसिडिक कर देता है, जिस वजह से पेप्सिन अपना काम कर सकता है। अब और दूसरा फंक्शन क्या है, एसिड और क्या काम करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। अब इस म्यूकस का काम क्या है, इस म्यूकस का काम ये है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, अगर एसिड अपने कहीं भी गिर जाता है तो जलन होती है ना, तो इस म्यूकस का काम क्या है कि ये म्यूकस क्या करेगा, हमारे स्टमक को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उससे एक्शन से बचाएगा कि हमारे स्टमक में जलन पैदा ना हो। ठीक है, मतलब हमारा पेट छिलाए ना। तो म्यूकस का काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, HCl एक एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। म्यूकस का काम ये होता है कि वो HCl का जो भी इफेक्ट हमारे स्टमक में होने वाला होता है उसको वो नहीं होने देता, मतलब एसिडिटी नहीं प्रोड्यूस होने देता। मतलब म्यूकस का काम ये होता है कि वो HCl का काम कम से कम रिड्यूस कर सके कि वो हमारे स्टमक को बचा सके। ठीक है, अब इसके बाद है, हम लोग ने बहुत बार सुना होगा कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे जो बड़े होते हैं वो बार बार कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है कि नहीं। तो ये सारी चीजें सारी चीजों से ही रिलेटेड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह की वजह से ही एसिडिटी वगैरह हो जाती है हमारे पेट में। फिर उसके बाद क्या है, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल।
अब हमारा जो फूड स्टमक में एंटर हुआ है वो स्टमक से बाहर कैसे आएगा? एक मसल होती है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, वो हेल्प करती है फूड को स्टमक से दूसरी जगह पास होने में। ये स्फिंक्टर मसल क्या करती है, थोड़े थोड़े अमाउंट में उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते रहती है। जो खाना हमारे पेट में होता है उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में कंटिन्यूअसली स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते रहती है। हाँ तो अब हमारा खाना जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से हमारे पेट में फिट होता है, एक कॉइल के जैसे, बहुत ही कॉइल्ड तरीके से ये हमारे पेट में, अतड़ियां बोलते हैं ना अतड़ियां, तो हाँ पेट के नीचे ये होता है, तो पेट के नीचे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से उलझा हुआ कॉइल तरीके से ये अरेंज होता है। ठीक है, तो लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। किसी एनिमल्स में ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, किसी एनिमल्स में थोड़ी कम लंबी होती है। जो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं या पेड़ पौधे खाते हैं, उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो यूजुअली बहुत ही लंबा होता है। उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा इसलिए होता है ताकि वो सेल्यूलोस जो प्लांट से लेते हैं उसको इजिली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, हाँ ज्यादा देर तक अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तो सेल्यूलोस बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। जो मीट होता है, मांस होता है, वो बहुत ही इजी होता है डाइजेस्ट करने में। ठीक है, इसलिए जो कार्निवोर एनिमल होते हैं जैसे कि टाइगर, उनके पास शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा नहीं होता। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ऐसी जगह है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। किस किस चीज का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। तो इन तीन चीजों का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास सिक्रीशंस आती है। सिक्रीशंस मतलब लिवर एक जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लिवर और पैनक्रियास किसी तरीके का जूस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो जूस होता है वो लिवर और पैनक्रियास का सिक्रीशन है। तो वो सिक्रीशन जो है लिवर और पैनक्रियास का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं वो लोग। तो जो भी फूड हमारा स्टमक से आ रहा है, वो स्टमक से जो भी फूड आ रहा है वो कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि उसमें एचसीएल मिला हुआ था। अब उस एसिडिक फूड को हाँ हमको बनाना है अल्कलाइन, ठीक है, ताकि उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स अपना काम कर सके। तो इसके लिए क्या होता है, बाइल जूस, ये जो बाइल जूस है ये लिवर से आता है। ठीक है, हाँ ताकि ये फैट्स 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 में अपना काम कर सके, मतलब फैट्स को डाइजेशन करने में हेल्प के लिए बाइल जूस आता है लिवर से। ठीक है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैट। जो फैट्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते या फिर एंजाइम्स उसमें एक्ट नहीं कर पाते। तो बाइल क्या करता है, ये जो फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, जिस वजह से एंजाइम अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। तो बाइल जूस, बाइल लिवर जो है, लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और इस हाँ बाइल जूस का काम क्या है, फैट्स को लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम होता है लिवर का, बाइल जूस का। ठीक है, वो ग्लोब्यूल्स क्या है? ग्लोब्यूल्स मतलब मान ले कि एक बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत ही बड़े बड़े, मतलब थोड़े बड़े होते हैं ग्लोब्यूल्स, मतलब थोड़ा बड़ा, और स्मॉल ग्लोब्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। ठीक हाँ है, फिर पेंक्रियास जो होते हैं, पेंक्रियास पेंक्रियास क्या सिक्रीट करते हैं? पेंक्रियाटिक जूस। और इस पेंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, सॉरी। और ये ट्रिप्सिन का काम क्या होता है?
प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और लाइपेज को डाइजेस्ट करना फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. मैं जितनी भी लाइन टिक करा कर आगे पढ़ रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट थी. बाइल का काम क्या होता है, ये वाला सब. बाइल जूस फ्रॉम लिवर अकम्प्लिशेस. वो वीडियो को फिर से देख देख के नोट्स बना लूंगी. Bile salts break down them into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. फिर ये पेंक्रियास जो हैं, पेंक्रियास क्या करते हैं? पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं. ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टमक क्या क्या सिक्रीट करता है, पेंक्रियास क्या क्या सिक्रीट करते हैं, लिवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज का कम्प्लीट डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फैट्स का, ठीक है. और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास किसकी किसकी सिक्रीशन आती है, लिवर की सिक्रीशन आती है और पेनक्रियास की सिक्रीशन आती है. लिवर बाइल जूस बनाता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, और इस पेनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जो होता है ट्रिप्सिन. और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है. और एक ट्रिप्सिन होता है उसके पास एंजाइम, और एक एक दूसरा एंजाइम होता है लाइपेज. लाइपेज का काम क्या होता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करना, एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करना. जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें होते हैं ग्लैंड्स. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं. जो एंजाइम्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फाइनली क्या करते हैं, उन एंजाइम्स का काम क्या है कि वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं. तो अपन पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स का काम क्या है, वो ग्लैंड्स प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में, ठीक है. और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लूकोज में. और जो फैट्स हैं, फैट्स को वो कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है, ठीक है. हाँ, फिर अब जो डाइजेस्टेड फूड है, अब जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी. डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करेंगी, डाइजेस्ट करेंगी, मतलब उसको एब्जॉर्ब करेंगी. उसमें जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं विलाय. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि विलाय क्या होता है. विलाय क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. और विलाय का काम क्या होता है, विलाय का काम है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, कि ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके. इस वजह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. जो विलाय होते हैं इनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स. तो वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, जो भी फूड हमने एब्जॉर्ब किया है वो हर एक, उस फूड से जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या करेंगे, हर एक सेल में जो हमारी बॉडी में है उस तक पहुंचाएंगे, ताकि वो सेल उस एब्जॉर्ब फूड का न्यूट्रिशन ले सके और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जो कि हमारे काम आता है नए नए टिश्यूज को बनाने के लिए, और जो रिपेयर करने में ओल्ड टिश्यूज को काम आता है. तो इस तरीके से जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से फूड का जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब होता है विलाय में, और विलाय में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. तो ब्लड वेसल्स में वो ब्लड में पास होता है, और फिर वो जितना भी फूड से एब्जॉर्ब किया हुआ है न्यूट्रिशन, वो हर एक सेल में हमारी बॉडी में पहुंचता है. द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो फूड एब्जॉर्ब हुआ नहीं है, जो मतलब वेस्ट था हमारी बॉडी के लिए, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर उसकी जो वॉल होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल, वो अगर उस खाने में अगर और भी कुछ पानी वानी है, वाटर है,
तो वो एब्जॉर्ब करने का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि बचे हुए खाने से कुछ और वाटर है तो वो भी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी जितना भी मटेरियल बचा हुआ है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है बाहर एनस के थ्रू। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है उसको रेगुलेट करने का काम होता है एनल स्फिंक्टर का। एनल स्फिंक्टर भी एक मसल होती है जिसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण जो खाना होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ये था पूरा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट सेक्शन है रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें क्या करना है देखना, ये क्वेश्चंस कुछ कुछ दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन का खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करना, वरना मैं बताऊंगी कल कि डिफरेंस क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए? रॉ मटेरियल पहले तो क्या क्या चाहिए होते हैं प्लांट्स को? सनलाइट, एयर। एयर में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक? तो हमारी पेट में जो एसिड है HCl, उसका काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्ट करना? नहीं, HCl का काम क्या होता है कि एसिडिक मीडियम बनाना पेप्सिन के लिए। हाँ, फिर डाइजेस्ट वो इसका नोट्स भी बनाऊंगी ना पूरा पढ़ पढ़ के। हाँ, नहीं बनाएगी नोट्स तो फिर बाद में दिक्कत होगी। How is the small intestine designed to absorb digested food? इस small intestine को कैसे design किया गया है कि वो food को absorb कर सके? तो small intestine में बहुत सारे finger-like projection होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं villi, जो कि क्या करते हैं सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं absorption के लिए। और फिर इसमें बहुत सारे ब्लड vessels होते हैं जो कि absorb food को body के अलग अलग part में ब्लड vessels के थ्रू पहुंचाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल रहा है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सिक्रीट करता है? वो स्टमक सिक्रीट करता है ना, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जो फूड कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल्स है उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ताकि वो बॉडी के लिए इजीली एब्जॉर्ब हो सके। ये थोड़ा सा रीड कर ले, रेस्पिरेशन ये वाला पैराग्राफ। वी हैव डिस्कस्ड वाला। हाँ, we have discussed nutrition in organisms in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use another pathways that do not
not involve oxygen. In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6-carbon molecule, into a 3-carbon molecule called pyruvate. This process takes place in a cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in the yeast during fermentation. This is a process takes place in the absence of air, oxygen. It is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. तो ये क्या बोल रहा है कि जो फूड मटेरियल हमने लिया था न्यूट्रिशन के टाइम पे, अब उसको सेल को एब्जॉर्ब करना ताकि वो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर सके बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के लिए. जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीजन को यूज करते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए कम्प्लीटली इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मतलब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक कर सके और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सके. कुछ दूसरा तरीका यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता. जितने भी केसेस हैं सब में पहला स्टेप तो यही होता है कि ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है और एक 6-carbon मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है इनटू अ 3-carbon मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट. तो जो एक 6-carbon मॉलिक्यूल वाला जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3-carbon मॉलिक्यूल वाले पाइरूवेट में. सबसे पहले ये काम होता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. और ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट करने का, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है. जैसे ये सेल होता है, ये न्यूक्लियस है, तो ये बाहर में साइटोप्लाज्म होता है. तो साइटोप्लाज्म में ये काम होता है ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट करने का. फर्दर द पाइरूवेट में भी कन्वर्टेड इंटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फिर ये पाइरूवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. तो जब भी फर्मेंटेशन होता है ये प्रोसेस यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें होता है. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर. और ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है इस प्रोसेस में. तो इस वजह से इस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब उस तरीके का रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. और जब पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन का यूज करके, तो ये जो काम है ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. सेल के अंदर में ही एक सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ये काम होता है कि पाइरूवेट जो होता है ऑक्सीजन की हेल्प से जब पाइरूवेट ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेकडाउन होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये एरोबिक रेस्पिरेशन और ये होता है माइटोकॉन्ड्रियम. तो दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3-carbon पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो 3-carbon पाइरूवेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते हैं किसमें, 3 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में. और जो दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है वाटर. और क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है इसलिए इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. फिर ये बोल रहा है कि जो एनर्जी रिलीज होती है हमारी एरोबिक प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू एनएरोबिक प्रोसेस. एरोबिक प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू एनएरोबिक प्रोसेस. समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इज टेकन. अगर कभी कभार हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो एक दूसरा पाथवे चूज किया जाता है कि पाइरूवेट को ब्रेक कर सके. हियर द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी बॉडी में तो पाइरूवेट को सबसे पहले लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है
और वो लैक्टिक एसिड जो होता है वो भी थ्री कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है. तो इस वजह से क्या होता है, दिस बिल्ट अप लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स. और इस तरीके से लैक्टिक एसिड जो होता है हमारी मसल्स में बिल्ट होने लगता है ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स. तो इसलिए जब हम लोग एकदम अचानक से दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो हमारे पैरों में क्रैम्पिंग आने लगती है, हमारा पैर दर्द करने लगता है, टाइट हो जाता है पैर. तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमको सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है कि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके उससे. तो जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता तो पाइरूवेट जो होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी मसल्स में जमने लगता है. तो जब हम लोग दौड़ते भागते या एक्सरसाइज करते हैं तो इस वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ये पूरा दिया हुआ है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अलग अलग तरीके से यहाँ पर. तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है साइटोप्लाज्म में, तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है पाइरूवेट में. तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरूवेट जो होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और ये जो इथेनॉल है ये दो कार्बन मॉलिक्यूल वाला होता है. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो ईस्ट में होता है. तो जब प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये हमारे मसल सेल्स में होता है, तो इस केस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये भी थ्री कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है. ठीक है. और फिर ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना रेस्पिरेशन के टाइम पे, मतलब जो एनर्जी हमको चाहिए रहती है दिन भर का काम करने के लिए, ये एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है ये इमीडिएटली यूज हो जाती है. और इससे प्रोड्यूस होता है मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, ये एनर्जी कहाँ काम आती है, ये एनर्जी को एटीपी बनाने के लिए काम में लिया जाता है. और ये जो एटीपी है ये एक फ्यूल होता है हमारी बॉडी के लिए, ताकि हम लोग बाकी सारे काम अपने कर सके. इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो एटीपी है इसको और छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है ताकि ये हमको और बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सके, जिस वजह से बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो सेल में होते हैं वो होते रहे. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वैसे रिएक्शंस जिसमें हीट की जरूरत नहीं होती. हाँ, तो उन रिएक्शंस को करने के लिए ये एटीपी का यूज होता है. वो एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. अब ये बोल रहा है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो इस वजह से जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते रहे ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से हो. हमने ये चीज प्लांट्स में देखी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं, स्टोमेटा से करते हैं. और एक लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर. इनके जो स्टोमेटा के बीच में बहुत ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है, तो ये इंश्योर करती है कि ज्यादा से ज्यादा सेल जो हो वो एयर के कॉन्टेक्ट में हो. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर. तो प्लांट्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सचेंज होता है सराउंडिंग से. दे कैन गो इन टू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट ऑफ द एयर. तो वहां पर क्या होता है स्टोमेटा में, डिफ्यूजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन क्या होता है बाहर निकलता है। तो इधर से क्या होता है वो दूसरे सेल में जा सकते हैं, वहां पर यूज हो सकते हैं या फिर एयर में वापस जा सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है और प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लांट से, ठीक है, और जब दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दिन में क्या होता है, डे में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नाइट में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस वजह से रात में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज मेजर इवेंट एट दिस टाइम। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं जिस वजह से वो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन में रहते हैं, वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं एटमोसफियर से, पर जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो वाटर में जो डिजोल्व हुआ ऑक्सीजन होता है उसी का ही यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ से अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है। मैं कोई बुक भी डाउनलोड करनी है एसएम की 10th बायो वाली, वो भी मैं कर लूंगी। हाँ, का वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना और नोट्स बना लेना। हाँ, वो नोट्स फिर उसी से बनाऊंगी मैं एसएम से। एसएम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, आज जो देखी है ना आज उसका बना लेना। हाँ, और इसका वीडियो भेज देना दोनों कल का भी। कल मैं वीडियो कहाँ, कल का तो मैं वीडियो शायद सेंड की थी ना, नहीं पता। ठीक है बुआ, मैं आपको मौसा जी गंगापुर का नंबर भेजती हूँ। हाँ हाँ ठीक है।